सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान वकार हुसैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक हेड तालीमी मैदान में जो अपने हायल है रुकावटे, उस तनाजुर में हम उनसे सवाल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, यकीनन आपसे मेरा ये सवाल है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले किया है कि 15 सितंबर से तालीमी दरसगाहों को खोला जाएगा। हाकम बदन अगर कोरोना केसेस की वबा में इजाफा होता है, उस सूरत हाल के पेश नज़र एक मरतबा फिर तालीमी दरसगाहों को ताले लगा दिए जाते हैं या इसकी मतलब तारीखों में तौसी हो जाती है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहसियत टीचर और बहसियत एक हेड ऑफ द स्कूल, मैं ये कहती हूँ कि इंतहाई खुश आइंद बात है, क्योंकि 26 फरवरी से हमारे जो इदारे हैं वो बंद थे और यकीनन हुकूमत ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। लेकिन जैसे ही इदारे खुलते हैं तो हमें भी वो तमाम SOPs का ख्याल रखना होगा, जैसे कि स्टैंडर्डाइज हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इदारे बंद कर दिए जाएं दोबारा से, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मेजर सिचुएशन COVID-19 की वजह से हमें देखनी पड़ती है, तो बहैसियत टीचर या पेरेंट या एक इंसान, मेरे लिए उस बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी, तो उसमें भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई हुई है कि स्कूल खोलने के 2 हफ्ते के बाद ये बिल्कुल स्ट्राइक पे गया है और दोबारा से सिचुएशन आई है। तो मेरे ख्याल से हर पेरेंट यही चाहेगा कि उसके बच्चा तो तालीम हासिल करे ही करे, कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ही, लेकिन उसकी बच्चे की सेहत उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, और हम हुकूमत का बिल्कुल खैर इकदाम करेंगे इस जो भी सिचुएशन में उन्होंने जो भी लेते हैं डिसीजन, हम उनके साथ हैं और जो भी वो कहें हम उस पर यही अमल करेंगे। मुल्क में तबकाती निज़ाम का जो एक मुल्क में तबकाती निज़ाम का खात्मा किस तरह जो है कि मुमकिन है, आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से ये नामुमकिन मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक मुल्क में रहते हुए इतने सारे सिस्टम हैं, क्योंकि हम पेरेंट, हम टीचर, हम एज अ स्टूडेंट, हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आया कि हम मदरसे में जाएँ, आया कि हम CIE के एग्ज़ाम्स के लिए जाएं, आया कि हम साइंस लें, हम कॉमर्स में जाएं, चाहे हम सिंध बोर्ड में जाएं, हम आगा खान बोर्ड में जाएं। मतलब बच्चे को ही इस कदर कंफ्यूज कर दिया गया है कि उसके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि मतलब वो अब कैरियर काउंसलिंग के बजाय वो सिलेक्शन ऑफ बोर्ड में ही फंस के रह जाता है, ऊपर से माँ बाप, और फिर जो एलीट क्लास है वो तो अफोर्ड कर सकती है इन सारी चीज़ों को, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिस्टम मेरे हाल से ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम में ही रह के हम बच्चों को अपने पढ़ा सकते हैं, जो मुझे ये लगता है। पढ़ते तो खैर हमारे ज़माने के भी लोग थे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें बहुत पीला स्कूल कहा जाता था, और उन्हीं के बच्चे जैसे अब्दुल कदीर खान साहब साइंटिस्ट भी बने, लेकिन आज वही भी जो स्कूल्स हैं उनकी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। और आप ब्रिटिश काउंसिल के पेपर्स ले लें या CIE के एग्जाम्स देख लें, आप पेरेंट्स भारी भरकम फीस देते हैं, नो डाउट उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें, वो भी मजबूरन हमने अपने बच्चों को उस रेस में शामिल कर दिया है जहाँ उनको सिर्फ ये पता है कि हमने ये हासिल करना है, लेकिन वो हासिल करके उन्होंने आगे कहाँ जाना है इसका उनको भी नहीं पता होता कि आगे वो किस तरह से, मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से कोप अप कर सकें। इनफैक्ट जो हमारे बड़े हैं उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि तबकाती निज़ाम को इतना ज़्यादा इनको वसी ही नहीं करना चाहिए था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देनी चाहिए थी। आपको क्या अपने मुल्क के जो नेशनल करिकुलम है उसके ऊपर इतना गौर नहीं है या एतबार नहीं है, या लोग जो पढ़ा रहे हैं या आप इतनी रिक्रूटमेंट करते हैं, आप तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो फिर अगर बेहतर बनाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं बच्चों के साथ, कि आप वहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट कर रहे हैं, खान बोर्ड को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, आप सिंध बोर्ड को,
मतलब सिंध बोर्ड तो फिर ऑब्वियसली नीचे ही आएगा ना, बाकी अगर बोर्ड्स ऊपर जा रहे हैं तो फिर कहाँ रिजल्ट आएगा हमारे पब्लिक सेक्टर का, कहाँ जाएगी गवर्नमेंट एजुकेशन। तो आपने खूब की, बिला शुबा जो हमारे एक किरदार सार शख्सियत थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और जितने भी हमारे किरदार सार शख्सियत गुजरे हैं हमारे मुल्क में, तो यकीनन उन्होंने भी पीले स्कूलों से पढ़कर जो है कि इतने जो है कि बड़ा नाम पाया है। कहने का मफहूम ये है कि उस वक्त के जो असातिज़ा कराम थे वो यकीनी तौर पर बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन दौरे हाजिर में बदकिस्मती से अलमिया हमारे साथ ये है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट के तुलबा और तालिबात जो है कि वो तालीम स्कूल का रुख करते हैं और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस आलम में जो कि मैट्रिक की तालबा है या मैट्रिक का स्टूडेंट है या इंटरमीडिएट उनकी जो तालीमी अहलियत है, वो क्या मुस्तकबिल के मेहमानों का मुस्तकबिल संवार सकता है, आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए मैं एक बात ये कहूँगी कि अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं ना, तो पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे माजत के साथ मैं खुद भी पब्लिक सेक्टर से रिलेट करती हूँ, लेकिन बहसत टीचर में इस चीज़ की अशद की कमी को महसूस करती थी कि जो असातिज़ा कराम है कि इतनी हाई सैलरीज लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन उनका इतना ज़्यादा रेज नहीं हो पाता, वो बच्चों को उस तरह से तालीम नहीं दे पाते। अगर एक बच्ची हम लोग हायर भी करें, फॉर एग्जांपल आपको पता है रिक्रूटमेंट इतनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती नहीं है, तो मैं अगर किसी मैट्रिक पास या कोई इंटर पास लड़की को अगर कोई मैं जॉब ऑफर करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मैट्रिक क्लास लड़की बच्चों को क्या पढ़ाएगी, लेकिन हाँ वो उस असातिज़ा से बहुत बेहतर पढ़ा सकती है जो इतनी हाई अमाउंट मतलब लेने के बाद भी जो है वो अपना 100% नहीं दे पाती। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते, ना पढ़ाते हैं ना तालीम देते हैं, सिर्फ सैलरीज लेते हैं। और हाँ ये चीज़ गलत है कि जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में ख़ास तौर पे जो गली मोहल्ले और स्कूलों में होते हैं वो सिर्फ कम सैलरीज में क्यों मजबूर है, और वो बेचारी अपनी फीसेस पे करने के लिए जॉब करती हैं, तो उनको अगर वो रख लेते हैं तो वो बहुत इनजस्टिस उनके साथ करते हैं। वो माँ बाप से तो बहुत हाई अमाउंट में फीस ले चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन वो सैलरीज और वो टीचर्स नहीं रख पा रहे होते, और टीचर्स इसलिए भी उस जगह नहीं जा रहे होते कि वहाँ पर उनको उनके उनका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, उनको सैलरी पैकेज नहीं दिया जा रहा होता, और ऑब्वियसली टीचर्स वहीं जाएंगे जहाँ पर उनको हाई अमाउंट पे किया जाएगा। अच्छा, ये लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि मुल्क भर में जो है कि तुलबा और तालिबात को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी, तो आप क्या समझती हैं कि तुलबा और तालिबात इस 5 माह के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन से किस हद तक फायदेयाब हो सके? देखिए हर सिस्टम को कोप अप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और हर सिस्टम जो भी नया एस्टेब्लिश होता है उसको रन करने के लिए एक मतलब समझें इस वक्त COVID-19 फर्स्ट हमारा पायलट ईयर जा रहा है, और उसके साथ भी अगर गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव लिया तो हम उनको बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने PTV न्यूज़ के और जो एजुकेशनल चैनल्स के नाम से उस पर प्रोग्राम चल रहे हैं PTV के, वो बहुत अच्छे हैं, वो काबिल तारीफ है, और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जिसके हर ठीक है लेस प्रिविलेज एरिया की बात नहीं करते, लेकिन हर 60-70% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल होता है, जिनके पास एक्सेस है, जो हर तरह व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को उन पर सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि अगर वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को ले रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट के इस एग्जाम से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। अगर एक साल आपका बच्चा जो है सारे मजामीन नहीं पढ़ पाता है, तो कम अज़ कम वो तो पढ़ रहा है जो जनरल नॉलेज है, जो इंग्लिश है, मैथ्स है, जो बेसिक नेसेसिटी है एक बच्चे की, जो डोमेन्स को फुलफिल करती हैं, जो बच्चे का IQ लेवल रेज करती हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए देखा जाए तो उसमें ये फिलहाल इसमें बहुत मुश्किलात हैं, वो अभी इसको मतलब वो 100% मीट नहीं कर सकेगा, इसको टाइम लगेगा क्योंकि लेस प्रिविलेज एरिया में बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि दौरे हाजिर के जदीद तकाजों से हम आहंग होने के लिए हुकूमती सतह पर किन इकदामात और इस्लाहात की जरूरत है? हम आंग होने के लिए तो देखें, सबसे पहले जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का, इसके लिए इनको उसी तादाद में टीचर्स को ट्रेन करना होगा, एजुकेशन सिस्टम न्यू मेथडोलॉजीज के ऊपर बात करनी होगी, न्यू
वे ऑफ स्किल्स उनको फराहम करनी होगी, ट्रेनिंग्स करवानी होंगी. जब टीचर्स इस कदर ट्रेन हो जाएंगे ऑनलाइन सिस्टम, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, अभी हो भी रही है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है, बहुत सारे हेड्स जो हैं वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, और बहुत सारे टीचर्स ने अपने तौर पे वीडियोस बनाने शुरू कर दी हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो वो यूट्यूब पे भी डालते हैं, जो डिफरेंट जगहों पर वो जिस तरह से हम पहुँचा सकते हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है. और मुझे ये लगता है कि उनको बिल्कुल चाइना के सिस्टम से सीखना चाहिए, उनको सिंगापुर के सिस्टम से सीखना चाहिए. अभी मैं इटली की ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें यही बताया गया था कि वहाँ पे भी जैसे जब स्कूल ओपन हुआ है तो किस तरह से डिजास्टर आया और किस तरह से उन्होंने दोबारा से टीनेजर्स अपनाए हैं और दोबारा से वहाँ सारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ है. तो उन सब तरीकों को करने की ज़रूरत है, रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. हमारे यहाँ जैसे कि अभी स्कूल्स ओपन होते हैं तो जाहिर बात है अब आप एक बच्चे को तीन बच्चों के साथ तो नहीं बिठा सकते, एक बच्चे को एक ही सीट पे बिठाएंगे. तो इसी तरह से मुझे लगता है कि शिफ्ट में क्लासेस होनी चाहिए, जो मॉर्निंग स्कूल्स थे उनको आफ्टरनून में भी लगना चाहिए. और ऑनलाइन सिस्टम के लिए देखें, अगर सारे स्कूल एक पेज पर आ जाएँ, ठीक है, हर कोई अलग अलग डिवाइसेस तो अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ एक स्कूल एक वक्त में एक मल्टीमीडिया के ऊपर एक सब्जेक्ट को अगर आप करा दें तो वो भी मेरे हाल से कुछ ना होने से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. और इसी तरह से डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट मोड्स में होती रहे, मतलब हफ्ते में ज़रूरी नहीं सारे सब्जेक्ट डेली आप डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ें, हफ्ते में दो दिन दो सब्जेक्ट पढ़ा लें, दूसरे दिन दूसरे दो सब्जेक्ट्स पढ़ा लें. तो इस तरह से करके आप जो है अपने इस जो COVID-19 वाला ईयर है इसको कोप अप कर सकते हैं. और इन सब चीज़ों के करने की ज़रूरत भी है, या भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन अभी प्रैक्टिकली इस पर इम्प्लीमेंट 15 सितंबर के बाद ही देखने में आएगा, कौन किस तरह से इसको, कौन सी कितनी SOPs को फॉलो करते हैं, हम किस तरह के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. बल्कि बहुत सारे स्कूल्स ने जो मुझे मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने अब तक अपना सॉफ्टवेयर भी बना लिए, बहुत सारे एकेडमिक्स के वहाँ बच्चों को ID जनरेट की जाती है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो वहाँ हासिल करते हैं. लेकिन पब्लिक सेक्टर में थोड़ा अभी इसके ऊपर काम जारी है. आई होप सो कि जिन स्कूलों में हेड्स ने इनिशिएटिव लिए हैं वो फुलफिल कर सकेंगे इस क्राइटेरिया को. अच्छा, ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एक भारी भरकम फीस से वसूल करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, क्या आपकी नज़र में ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि जिस हिसाब से वो फीस लेते हैं और उन्होंने जो अभी भी फीसेस ली हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी भतीजी भी सेंट जोसेफ में पढ़ती है, जब गवर्नमेंट की तरफ से 20% का ऐलान हुआ था कि 20% कंसेशन दिया जाए, तो जब वहाँ पे फीस पे करने की बात थी तो उन्होंने कहा नहीं, अभी गवर्नमेंट ने 20% का बोला है, कहाँ नहीं है हमसे करने को, जब कहेंगे तब हम करेंगे. तो उन्होंने बिल्कुल फुल जो 3 मंथ्स की फीस चार्ज करते हैं उन्होंने वही फीस चार्ज की है. और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने टीचर्स को स्कूलों से निकाल दिया है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं. अगर ये इनको स्कूल खोलने का प्राइवेट एसोसिएशन वालों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि आप स्कूल खोलें, आप स्कूल खोलें, वो स्कूल सिर्फ इसका जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, वो बच्चों की सेहत के लिहाज से नहीं सोच रहे थे कि बच्चों की सेहत पे क्या असर होगा. अगर बच्चों को खुदा नखास्ता कुछ हो जाता है, जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं वो जाके देखें, वो इतने छोटे छोटे कमरों में उन्होंने स्कूल्स बनाए हुए हैं, वहाँ क्या सारी SOPs आप फॉलो कर लेंगे क्या? वहाँ से बच्चे को अगर कोविड या वो इस तरह का शिकार हो जाता है कोरोना का, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस बच्चे की जान की? तो जब आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे मत बढ़ें, आप बच्चे की सेहत को देख के आगे बढ़ें. आप ये सोचें कि अगर अल्लाह ना करे आज किसी के बच्चे को ये हो सकता है तो कल को हमारे साथ ये सारे इंसिडेंट हो जाता है. वो सिर्फ अपना अपना सिर्फ सोच रहे हैं कि हम हाई अमाउंट में प्रॉफिट ले लें, हम सैलरीज और फंड जनरेट कर लें, हम इतना लॉस हो गया. तो क्या इतने अर्से आपने प्रॉफिट कमाया तो वो कहाँ गया? इतने सालों से तो स्कूल कभी बंद ही नहीं हुआ ना, सुबह जून जुलाई की छुट्टियों के या दिसंबर की छुट्टियों में, वो सब कहाँ गए? तो अगर आप एक आप ह्यूमैनिटी बेसिस पे टीचर्स को ना निकालते, फायर ना करते, उनको सैलरीज 50% ही दे देते, तो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते थे, किसी को एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते. तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोबारा खोलते हैं और ये दोबारा से अपनी फीसेस उसी तरह से लेते हैं तो गवर्नमेंट को उस पर कोई बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए. ये कितनी हमारी बदकिस्मती की बात है कि ये पेशा जो एक तालीम का ही पैगंबरी पेशा है,
लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान ने इसको एक तिजारत बना दिया। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इस पर अदालत उज़्मा ने सो मोटो एक्शन भी लिया था और प्राइवेट स्कूल मालिकान को पाबंद भी किया था कि इसमें जो है कि फौरन से पेशतर 20% जो है कि कटौती की जाए अपनी भारी भरकम फीसों में। ये फैसला अदालत की जानिब से मंजर आम पर आया लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। क्या वजह है कि हुकूमती अहदेदारान वजारत तालीम इन माफियाज के आगे जो है कि बेबस है, आप क्या समझती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि वो जो माफिया है वो माफिया इन्हीं में से ही है, जो हुकूमती जो हमारे अहदेदार हैं। आपको और हमें तो नहीं पता ना कि स्कूल, इतने बड़े बड़े स्कूल, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के इसके पीछे मालिक कौन है। अगर किसी को किसी का चेहरा दिखा दिया जाता है कि बस आपने फ्रंट पर आना, बैक पे हम हैं, तो जाहिर बात है उनका अपना पर्सनल कंसर्न भी होता है। फिर इस तरह ऑब्वियसली इनके अपने बच्चे जो हैं वो जाहिर बात है जो अच्छे मशहूर बड़े स्कूल होते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो उनका भी एक वो है। और फिर आपको पता है कि ये पूरी लॉबी है, इस पर आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बात भी करेंगे तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं है बात करके, मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने वैसे ही रहना है कि जब तक ऊपर से इन लोगों को कोई ठीक करने वाला नहीं होगा, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं कि जो महकमा तालीम है, ना सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट है बल्कि जो माशरे के जो दीगर बहुत सारे जो इदारे हैं उसके अंदर खवातीन को हरासा किया जाता है हर मैदान में। आप क्या कहती हैं इस हवाले से कि जो खवातीन को जो बेचारी माशी गुजर बसर के लिए अपने घरों से बाहर निकलती हैं और रोजगार बाइज्जत तरीके से कमाने जाती हैं लेकिन उनको जो है कि हिरासा किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फीमेल हरासमेंट, बीइंग अ फीमेल, तो मतलब मैं खुद भी ये सारी चीज़ें फेस करती ही आई हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं आपका मतलब काम करना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपकी विल पावर है, तो आप इससे लड़ सकते हैं। वरना अगर आपकी विल पावर नहीं है और आप इसमें मतलब नहीं आगे कर सकते या आगे नहीं जा सकते, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत मासूम सी लड़कियाँ होती हैं, वो उनको सिर्फ जॉब करनी होती है और उनको इस तरह से हरासमेंट की जाती है कि उनको अपने राइट्स का नहीं पता होता। अब जाके मुहतसब आला का एक डिपार्टमेंट है, फीमेल हरासमेंट के लिए एसोसिएशन बनी है। अब जब से लोगों ने बोलना शुरू किया, सोशल मीडिया का दौर आया है, उस पर उसके बाद जाके कुछ अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग डरते हैं। बीइंग अ फीमेल, मुझे खुद इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था और लेकिन मैं रोज़ाना एक नए एम के साथ अपने काम पे जाती थी और मैं ये सोचती थी आज मुझे कुछ नया करना है। वो लोग अपना काम करते रहे लेकिन उन्होंने जिस तरह से परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया, थ्रेट्स किए, फ़ोन कॉल्स के थ्रू थ्रेट किया कि मतलब जिस तरह कि मैं छोड़ के यहाँ से चले जाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ों का हिसाब आपने अल्लाह को देना होता है। आपने लोगों के लिए नहीं कर रहे होते कोई काम, आप वहाँ के लोगों को बच्चों के लिए कर रहे होते हैं बेसिकली, जहाँ नीड है काम की। तो मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि अल्लाह, मैं तू मेरी नियत जानता है और मैं यहाँ के बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। तो अल्लाह ने मुझे वहाँ पर बहुत इज्जत दी, मेरा नाम वहाँ से बहुत हुआ और वो लोग आकर खुद ही वहाँ से चले गए। तो बहुत मुश्किल होता है, फीमेल हरासमेंट हर जगह है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं है, ये एक लोगों की सोच है जो बहुत ख़राब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं रास्ते में भी देख रही थी कि एक लड़की बाइक चला रही थी तो लोग उसको इस तरह से देख रहे थे और उसको रास्ता नहीं दे रहे थे, जानबूझ के उसको मतलब साइड लाइन कह रहे थे कि वो लेफ्ट साइड से जाए, राइट की साइड लेन चेंज ना कर पाए अपनी। तो मतलब लोग यहाँ पर जो मसला है ना, ये सोच का है। यहाँ हमारी माँ बाप जो है हमारी तरबियत तो करते हैं लेकिन हमारी सोच जो है ना, बेटियों को बेटे वाली सोच नहीं देते और बेटों को ये सोच नहीं देते कि आपकी आपने ये सब अल्लाह के यहाँ भी आगे जवाब देना। अगर आप किसी के लिए परेशानी का बायस बनते हैं तो वो हमारे लिए भी परेशानी का बायस होता है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को अगर इस फील्ड में आना है तो बिल्कुल अपने राइट के लिए फाइट करना सीखना चाहिए, अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और खुद इस तरह से बन जाएं कि लोग आपको हरास करते हुए 10,000 दफ़ा सोचें कि आप किसके साथ ये सब कुछ करने जा रहे हैं। यकीनन आपने दुरुस्त कहा कि सबसे पहले तो हमें सोच को तब्दील करना चाहिए और इस सोच के तब्दील करने के साथ साथ हुकूमती सतह पर इसके तदारुक के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की भी अशद ज़रूरत है।
अब मैं अब ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारा निसाब है उसके अंदर हमारी तारीख की बहुत सारी चीज़ें खारिज कर दी गई हैं, उसके अंदर तारीख इस्लाम का कुछ मवाद जो है कि जो जिस सतह का होना चाहिए वो नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है, उसके उसके मतलब उसको शामिल करने के लिए निसाब में क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, पहले तो आपने बीच में एक बात की थी कि पहले के लोग तालीम हासिल करते थे और यही असातिज़ा कराम होते थे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और इन लोगों को बनाते थे। तो वो आज मैं आपसे एक एक बात मैं अपने दिल की कहना चाहती हूँ कि जो हमारा पुराना निज़ाम तालीम है, क्या वो ये सब पढ़ के आया है? क्या जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट मुस्लिम फिलासफर के बारे में आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़े हुए हैं? उन्होंने हमारी हिस्ट्री तो पढ़ी है, उन्होंने और क्या पढ़ा है? उन्होंने उन तालीमात पर ही तो अमल किया है, और उन्होंने क्या किया है? आज के दौर में और उस दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर मतलब जो भी निज़ाम तालीम आप लेकर आते हैं वो हमारी दीनियात के बगैर बिल्कुल भी नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। और अगर इन लोगों ने इस तरह से किया है तो इसके यहाँ मुझे लगता है कि इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, एक बड़े पैमाने के ऊपर इसके ऊपर बोलना चाहिए जिन्होंने किताबों से निसाब को, क्योंकि अभी किताबें जो इस ईयर की हैं वो आई नहीं है हमारे पास, तो वो जैसे ही आती हैं तो उन पे बिल्कुल इस बात को एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी। अगर उन्होंने इस तरह के जो निकाली हैं चीज़ें इस्लामी हमारी, या तो उसके अल्टरनेटिव दें कि एक आप अलग से एक सब्जेक्ट बना के दें जिसमें आप बोलेंगे ठीक है, अगर ये जैसे कि एक इन्होंने मरबूत निसाब बनाया था जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें दे दी थी, जिसमें सोशोलॉजी सोशल स्टडीज भी होगी, साइंस भी होगी, उर्दू भी होगी, थोड़ा सा इस्लामी उसमें नुक्ता नज़र भी होगा, दीनियात का भी एक एलिमेंट शामिल होगा और पहेलियाँ या कुछ इस तरह की भी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन अब जो जो आने वाला है उसमें अगर उन्होंने इस तरह से ये हरकत करी है या इस तरह से उन्होंने ये उन चीज़ों को निकाल दिया है उसमें से, तो मुझे लगता है उनको दीनियात की एक अलग से किताब बनानी चाहिए और वो सारे हमारी तारीख, हमारे जितने भी सहाबा किराम हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम उनके बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हैं। अहादीस का मुझे तो लगता है कि बिल्कुल हमें अहादीस भी पढ़ानी चाहिए, और मैंने भी सुना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लॉ पास हुआ है जिसमें वहाँ उन्होंने कहा कि कुरान की तालीम को लाजमी करार दे दिया गया है, तो इस इनिशिएटिव को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, सिर्फ पंजाब में क्यों, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं, इसको पूरे पाकिस्तान में राइज होना चाहिए और मेरे ख्याल से प्राइमरी लेवल से होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को दुआएं भी तो याद करवाते हैं, तो साथ साथ अब अगर हम ये तालीम भी दे दें तो वो बच्चे जो मदरसों में जाके दरिंदगी का शिकार होते हैं उन वैशी लोगों का, उन वैशी लोगों से वो भी आप बच सकते हैं कि आप अरबिक लर्निंग ALT आप हायर करें, आप अरबिक लर्निंग टीचर्स को आप बुलाएं, आप गवर्नमेंट स्कूल में ही आप उनको मदरसे के एक पीरियड रख दें जिसमें वो दीनी तालीम हासिल करें, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकती है और उनको लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। या जैसे कि मैंने अपने स्कूल में ऐसा किया हुआ है कि मैंने इल्म एकेडमी है उनके थ्रू उन्होंने हमें बच्चों को जो है सिपारे और एक कारिया प्रोवाइड की हैं जो बच्चों को आके जो है कुरान पढ़ाती हैं, आयतें याद कराती हैं, और वो सिपारे हर बच्चे का एक अपना जाती है जिसमें वो दर्जात हैं जो आगे पढ़ते जाएंगे उनको आगे जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी भी इस चीज़ के लिए समझें तो आप ये इनिशिएटिव भी ले सकते हैं पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए। बिल्कुल, इस इंतहाई एक मुस्तहसन इकदाम आप लोगों की जानिब से उठाया गया है। और आप बहसियत उस्ताद, आप नौजवान नस्ल के लिए आप कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें जो भी करें वो बहुत दिल से करें, आप जिस काम में भी हाथ डालें उसे अपने 100% करके हटें, ये नहीं कि आपने आपने कहा कि मेरा दिल नहीं था, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, तो वो सब चीज़ें हैं वक्त के लिहाज के साथ, हमें भी नहीं समझ में आता था कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमने जो किया वो 100% अपना दे दिया, तो फिर सिर्फ अल्लाह ताला आपकी राह में दिखाता है। अगर आप आज एक मस्बत कदम लेके चलते तो आप अपने वालदैन को उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया, आज आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल आप उनको पे ऑफ कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो है तो आप और आपका फ्यूचर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत है।
बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का बच्चा जो है उसको एज अ फ्रेंड करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से देख रही हूँ, मेरा पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे ना छोड़ते दूसरों के रंगों को, वो आपसे भी बहुत दूर हो जाए। आप अपने बच्चों को अपने बहुत ज्यादा करीब रखें, उनसे दोस्ती करें, उनको दोस्त समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। अगर आज आप उनसे सब शेयर करेंगे तो कल उनके वक्त में और आपके वक्त में वो सब करके देंगे जिसको आप चाहते हैं हमारा बच्चा इसमें काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपनी गुनागुन मसरूफियात में से कीमती वक्त दिया। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है।